हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूपीआई का इंस्ट्रक्टर केस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज का जो वीडियो है वो यूपी ट्रिपल एससी जेई से रिलेटेड है। जो आपका एग्ज़ाम था 3 अप्रैल 2022 को सुनिश्चित किया गया था होना, इसके पहले ये एग्ज़ाम 30 जनवरी 2022 को डिसाइडेड था कि एग्ज़ाम होगा, लेकिन इसके चुनाव के कुछ जो रीज़न्स थे चुनाव के कारण, इसके थ्रू ये एग्ज़ाम जो था जो पोस्टपोन कर दिया गया था 3 अप्रैल 2022 को। लेकिन अभी यूपी ट्रिपल एससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर रिसेंटली एक नोटिस अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आपका ये जो एग्ज़ाम है वो अब 16 अप्रैल 2022 शनिवार को किया जाएगा। तो जैसा कि आप नोटिस में देख पा रहे होंगे कि आयोग की आवश्यक सूचना संख्या 04/16/31/2021 खंड 2 दिनांक 18 जनवरी 2022 के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2018 सम्मिलित अवर अभियंता संगणक एवं फोरमैन की जो प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 की लिखित परीक्षा जो दिनांक थी 3 अप्रैल 2022 रविवार को आयोजित होने किए जाने की सूचना प्रकाशित की गई थी। तो उसी के संबंध में उपयुक्त के क्रम में उपयुक्त परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कतिपय परिहार परिस्थितियों के दृष्टिगत आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन की लिखित परीक्षा का आयोजन 3/4/2022 के स्थान पर दिनांक 16/4/2022 शनिवार को किया जाने का निर्णय लिया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 16/4/2022 जो है वो डिसाइड किया गया है। तो प्रश्नगत परीक्षा के प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि यूपी ट्रिपल एससी जो है वो 16 तारीख में भी एग्ज़ाम लेगी, या ये जो भर्ती है वो इनकी मंशा है कराने की पूरी या नहीं, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी लंबे समय से आप देख पा रहे होंगे 2018 से ही पेंडिंग में है और पेंडिंग में ही चली आ रही है। 2018 निकल गया, 19 निकल गया, 20 निकल गया, 21 निकल गया, और अब आने वाला साल जो हमारा चल रहा है विगत वर्ष 2022, लगता है ये भी जो साल है यूपी ट्रिपल एससी जो है नोटिस निकाल निकाल के इस साल को भी एग्ज़ाम नहीं कराएगी। तो आशा करते हैं कि एग्ज़ाम जो होगा इस 16 अप्रैल को ज़रूर किया जाएगा, ज़रूर कंडक्ट होगा। तो अपनी तैयारी को प्लीज़ ड्रॉप मत करिएगा, तैयारी अपनी बनाए रखें। 2-4 दिन ये जो गैप मिला है, हो सकता है कि आपके लिए बेनिफिशरी हो, तो प्लीज़ अपना बेस्ट से बेस्ट दें और एंड टाइम पर कमज़ोर ना हो, ना ख़ुद को कमज़ोर समझें। और बाकी अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।